कंप्यूटेक्स 2021 में एएमडी जो है वो और यहाँ पर नई चीजें लॉन्च करता है, लगभग यहाँ पर लैपटॉप के लिए भी एक नया ग्राफिक कार्ड लॉन्च करता है, मतलब जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स होता है वो, एंड यहाँ पर आपको एक और डेस्कटॉप सीपीयू देखने को मिलता है, एंड एएमडी ने कुछ अलग यहाँ पर ट्राई करने का भी सोचा है। तो चलिए जानते हैं क्या एएमडी नया ट्राई करने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा कोई डिटेल्स मिस ना हो। लेट्स गो। तो कंप्यूटेक्स 2021 यहाँ पर एक वर्चुअल इवेंट हो रहा है, तो उसमें थोड़े नए नए जो टेक्नोलॉजी से वो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है या फिर कोई नया लाइनअप या फिर नई सीरीज में एडिशंस हो रहे हैं तो आपको पता चलने वाली है। तो AMD में लगभग आपको दो नए वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं प्रोसेसर्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप प्रोसेसर में क्या एक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो एक आपको G सीरीज प्रोसेसर ऐड होने वाले 5000 सीरीज के लिस्ट में, एंड यहाँ पर निकल के आता है AMD का राइजन 7 एंड AMD का राइजन 5, जिसका मॉडल नेम आता है 5700G एंड 5600G। तो ये दो नए सीपीयू जो 5000 सीरीज के हैं डेस्कटॉप सीपीयू वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। 5th of August से इसकी सेलिंग स्टार्ट होने वाली है वर्ल्ड वाइडली, एंड अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो डॉलर से सीधा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दे तो लगभग 28,000 रुपीज की कीमत तक आपको ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स वगैरह सब इंक्लूड जब इंडिया में आएगा तब उसका प्राइसिंग जरूर से बढ़ने ही वाला है। एंड अगर आप बात करो AMD Ryzen 5 की, तो AMD Ryzen 5 का प्राइस लगभग 19,000 या फिर 20-21,000 तक चला जाएगा। जब तक ये इंडिया में आएगा तो टैक्सेस वगैरह लगने के बाद जो भी ये प्राइस वो बढ़ने वाली है। एंड यहाँ पर सभी जो डेस्कटॉप्स वगैरह है वो कैपेबल है 1080p गेमिंग खेलने के लिए, तो यहाँ पर हाई लेवल सेटिंग्स पे नहीं बोल सकते। तो एक डेडिकेटेड जो इनबिल्ट सीपीयू में देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, तो उसके हिसाब से जो 1080p की गेमिंग क्वालिटी है तो वो अच्छी है यहाँ पर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो मॉडल नेम निकल के आता है या फिर कोड नेम आप बोलो ये डेडिकेटेड जीपीयू जी सीरीज के लिए, तो वो निकल के आते हैं सीजन। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार यहाँ पर वीडियो बनाया था कि फ्यूचर क्या होने वाला है इंटेल और एएमडी का, कि कौन से नए प्रोडक्ट्स या फिर कौन से नए प्रोसेसर्स आपको देखने को मिलने वाले। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा, आपको जानना है तो आप जरूर से आई बटन पे जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने सभी यहाँ पर फ्यूचर्स जो होने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में वो बताया, एंड वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गए। तो उसमें एक सीजन नाम का भी कोड नेम था, तो यहाँ पर अभी आपके सामने सीजन नाम का प्रोसेसर जो है वो लॉन्च हो गया है। दोनों AMD Ryzen के प्रोसेसर्स को TDP लगने वाला है 65 watts का, तो यहाँ पर अच्छी बात है। तो कम पावर में आपको ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन या फिर इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस जरूर से देखने को मिलने वाला है। तो AMD ने अनाउंस किया था सीजन्स के Ryzen प्रोसेसर्स में टोटल 6 प्रोसेसर होने वाले हैं, एंड उसमें 3 प्रोसेसर जो होने वाले हैं वो है 65 watts के, एंड 3 जो होने वाले हैं वो है 35 watts के। तो यहाँ पर आपको पता ही AMD जो भी लॉन्च करता है वो लगभग 2 कंडीशंस में लॉन्च करता है, एक लो पावर एंड हाई पावर। AMD Ryzen 5700G में आपको लगभग 4.6 GHz का क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, वहां पर 8 कोर CPU देखने को मिलते हैं एंड 8 GPU के कंप्यूटिंग यूनिट्स देखने को मिलते हैं। एंड Ryzen 5 5600G की बात करें तो यहां पर आपको 6 कोर्स वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां पर आपको 7 कंप्यूटिंग GPU देखने को मिलने वाले। तो चलिए अभी बात करते हैं मोबाइल जो लैपटॉप प्रोसेसर्स होते हैं जो उनमें एक ग्राफिक एडिशन आता है तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर AMD का दावा है कि पूरा जो AMD के Radeon GPU जो होने वाले लेटेस्ट 6000 सीरीज में एडिशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सभी जो GPUs होने वाले हैं वो आपको कंपैरिजन के हिसाब से NVIDIA का RTX 3060 3070 से कंपेयर जरूर से कर सकते हैं, इनका मानना है। तो यहाँ पर जानते हैं इनका स्पेसिफिकेशन क्या होने वाले। तो AMD लगभग 3 जो है वो GPU lineups लॉन्च करता है 6000 सीरीज के, 6800M, 6700M एंड 6600M। तो ये जो है वो GPUs है जो आपको लैपटॉप्स में देखने को मिलने वाले, एंड कौन से लैपटॉप्स में देखने को मिलने वाले, ये है Asus के एंड HP के Omen। तो Asus के ROG Strix में आपको देखने को मिलेगा एंड HP के Omen में ये जो नए GPUs है वो देखने को मिलने वाले। तो हाईएस्ट जो आप बोलो टॉप लेवल का GPU कौन सा होने वाला है तो वो है AMD का Radeon 6800M। तो वो GPU में आपको लगभग 12 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, वर्चुअल रैम देखने को मिलती है, वहां पर रे ट्रेसिंग या जो 6000 सीरीज के सभी जो GPUs है वहां पर आपको रे एक्सेलरेशन या फिर रे ट्रेसिंग का जो फीचर है वो जरूर से मिलने वाला है। प्लस आपको यहाँ पर जो 6800M है वहाँ पर आपको 192 बिट्स का इंटरफेस देखने को मिलता है, प्लस इन्फिनिटी कैश मेमोरी देखने को मिलती है जो AMD ने खुद डेवलप की है। तो AMD का Radeon RX 6800M इसको कंपेयर किया है NVIDIA का RTX 3060 एंड 3070।
तो आप जान सकते हो 12 GB का GPU कंपेयर किया लगभग 8 GB के जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, मैक्स मैक्स जाएगा वो भी 12 GB तक। तो गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है AMD के परफॉर्मेंस के हिसाब से, लगभग 120 FPS के फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स में, मतलब 2K क्वालिटी की गेमिंग में आपको 120 FPS देखने को मिलता है, जहां पर आपको बैटल फील्ड देखने को मिलेगा, प्लस एपेक्स लेजेंड्स वगैरह जो हाई लेवल्स के गेम्स है तो उनमें कुछ 120 FPS को मिलता है। जो बाकी के रेडियन RX 67 है तो उसमें आपको 100+ का FPS देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके से आपको सभी में रे ट्रेसिंग वगैरह देखने को मिलते हैं। 6700M में आपको 10 GB का वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, मतलब GPU का साइज। तो 6600M है तो उसमें आपको 8 GB का GPU देखने को मिलता है, तो जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया, 1.5X का लगभग परफॉर्मेंस मिलता है, 46-47% का अप यहाँ पर आपको गेमिंग क्वालिटी में देखने को मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर RDNA 2 का आर्किटेक्चर यूज है, तो इसकी वजह से थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन, इफिशियंसी, मोबिलिटी, वो उनका मोटो है उस लोगों से, तो वो सब यहाँ पर मैच करते हैं, तो आपको एक बेटर परफॉर्मेंस आपको बैटरी में भी देखने को मिलता है। इवन आप गेमिंग खेलते वक्त सिर्फ नॉर्मल बैटरी पर खेलते होंगे तो उनका कहना है कि ये बेटर परफॉर्मेंस ही देने वाला है, मतलब आपको कोई एक इश्यू नहीं आने वाला। तो लास्ट जो रेडियन जीपीयूज है RX 6600M, तो उसमें आप 2K+ 1080p की गेमिंग खेल सकते हो, मतलब उसका लेवल उतना है, एंड लगभग आप 100+ FPS वहां पर भी पा सकते हो। तो लगभग 145 W का TDP लगेगा RX 6600M को, प्लस 135 W का लगेगा 6700M को, 100 W का लगेगा 6600M। जो TDP यहाँ पर लैपटॉप्स की केसेस में देखेंगे तो ज्यादा GPU परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब परफॉर्मेंस आपको ज्यादा ही देखने को मिलने वाला है, एंड बैटरी का एफिशिएंसी, सभी जो आर्किटेक्चर्स यूज्ड है वो सभी यहाँ पर आप बोलो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, तो इसकी वजह से आपको जो है लैपटॉप पे परफॉर्मेंस प्लस इफिशियंसी जरूर से मेंटेन मिलने वाली है। तो ये जो ग्राफिक्स है वो कब देखने को मिलने वाले, तो OEMS के स्टार्टिंग्स में आपको देखने को मिलेगी, जो जून 2021 का है, मतलब यही महीने में आपको देखने को मिल सकता है। जल्दी वो जो ब्रांड है असूस या फिर HP वो जरूर से अनाउंसमेंट कर देंगे, एंड फिर आप वो लैपटॉप्स बाय कर सकते हो। एंड AMD ने यहाँ पर फिडेलिटी FX का एक सुपर रेजोल्यूशन, ये कुछ नया इन्वेंशन का थोड़ा हाईलाइट बता दिया है, तो यहाँ पर वो NVIDIA का डीप लर्निंग सैम्पलिंग यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर AMD NVIDIA का कुछ मदद ले रहा है, तो यहाँ पर कुछ बड़ा सीन यहाँ पर बन सकता है, तो यहाँ पर कुछ नया इन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको गेमर्स के लिए थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन और 2.5X का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, एंड ये जो टेक्नोलॉजी वो एक्चुअल में अनाउंस होगी जून 22 को, तो वो हम जरूर से आपको बता देंगे। तो यहाँ पर AMD का जो है और एक पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग के एक्सिनोस के नए प्रोसेसर आपको जरूर से 2021 में देखने को मिलने वाले हैं, प्लस टेस्ला में भी आपको AMD का RDNA 2 आर्किटेक्चर यूज फीचर्स देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप एनवायरमेंट गेसिंग वगैरह जो है यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा, प्लस आपको टेस्ला की गाड़ी में गेमिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, मतलब आप लग्जरी कार में गेमिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। RDNA 2 आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी के चलते आप कार में ही, टेस्ला के कार में ही गेमिंग खेल सकते हो, तो काफी बड़े यहाँ पर AMD का फ्यूचरिस्टिक प्लान से जरूर से यहाँ पर टेस्ला में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के टेस्ला कार्स होने वाले, जैसे टेस्ला मॉडल S एंड मॉडल X, तो उनमें आपको ये जो RDNA 2 आर्किटेक्चर से वो देखने को मिलने वाला है, तो टेस्ला कार कुछ नॉर्मल कार्स होने नहीं वाली, कुछ स्पेशली कार बनने वाली है। तो ये था पूरा AMD का Computex 2021 का एक कीनोट आप बोल सकते हो। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है सुझाव तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो में सारे सवाल के जवाब देता हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।